गाया, चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि, विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भाग्य होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी भी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अविचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जपजन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता, उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए।
इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमय जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते हैं। इति देव्या कीलक स्तोत्रम संपूर्णम। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ये बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।